हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्यूब। माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और जैसा कि डिस्क्रिप्शन से आपको दिख रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो है विंडरश स्कैंडल। तो आज हम विंडरश स्कैंडल के बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन के अंदर बड़े तौर पे ये स्कैंडल हुआ है, इंटरनेशनली भी इसको बहुत हाइप मिली है इस स्कैंडल को। ब्रिटेन में जो है वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़ा हंगामा हुआ और इसकी वजह से जो वहाँ की होम सेक्रेटरी थी एम्बर रोड, उनको जो है वहाँ पे रिजाइन भी करना पड़ा है। ठीक है, तो विंडर स्कैंडल के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल इसलिए बन गया बिकॉज यहाँ पे एक रेशियल एंगल भी आ रहा है कि खास कम्युनिटी के जो लोगों को जो है, यानी कि जो कैरेबियन आइलैंड के जो ब्लैक पीपल अभी ब्रिटेन में रह रहे हैं उनको टारगेट किया गया है। तो बिकॉज ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा से ह्यूमन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है, इस तरह अपने आप को दिखाता है, तो उस तरह की कंट्री में इस तरह के एक खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना पंजाब में बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो आज यहाँ आगे हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी इमिग्रेशन पॉलिसीज वगैरह हैं, तो आप लेक्चर में बने रहिए। ये थेरेसा मे हैं, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 2010 और 2016 के बीच में वहाँ की होम सेक्रेटरी थी ये और कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, एक्चुअली वहाँ पे बेसिक ये दो ही पार्टी के अंदर फाइट होती है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव पार्टी जो है इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटेन के अंदर पसंद नहीं करते हैं। इनका मानना ये है कि जब ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे इमिग्रेंट्स बाहर से आ जाते हैं तो ब्रिटेन के जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पे रिसोर्सेज पे जो है प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है अच्छी पॉलिसीज नहीं ले पाती है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनसे वंचित रह जाते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी जब भी पावर में आती है तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो 2010 और 2016 के बीच में जब थेरेसा मे वहाँ की होम सेक्रेटरी थी तो इन्होंने भी कुछ ऐसी ही पॉलिसीज बनाई थी, जिन पॉलिसीज में एक पॉलिसी का नाम है होस्टाइल एनवायरनमेंट पॉलिसी। और जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, होस्टाइल का मतलब होता है कि अनफ्रेंडली, यानी कि इस पॉलिसी के अंडर में कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए, एक ऐसा माहौल बना दिया गया, एक अनफ्रेंडली माहौल ब्रिटेन में एक ऐसा बना दिया गया जिसके तहत जो है वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनको बार बार परेशान किया जाने लगा। इवन इतना होस्टाइल बना दिया गया इस पॉलिसी के अंडर, एक्चुअली ये प्रोविजन ही था कि इतना बुरा माहौल बना दो वहाँ पे कि जो वहाँ के इमिग्रेंट्स लोग हैं वो खुद ही परेशान होकर ब्रिटेन को छोड़ दें, यानी कि अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर लें। अब ऐसा है कि होस्टल एनवायरनमेंट पॉलिसी के अंदर जो है खास तबके के लोगों को, खास कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया गया, जो अभी स्कैंडल में बाहर आया है, यानी कि जो विंडरश जनरेशन के लोग जो वहाँ पे रह रहे थे उनको ज़्यादा टारगेट किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये विंडरश जनरेशन के लोग आखिर में हैं कौन, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर और वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। अब ब्रिटेन के अंदर बिकॉज लेबर की कमी थी, वहाँ पे रिसोर्सेज भी पूरी तरह से जा चुके थे, तो ब्रिटेन ने अपने आप को खड़ा करने के लिए उनको लेबर की रिक्वायरमेंट थी। अब ब्रिटेन में तो लेबर थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी कॉलोनीज थी उस टाइम पे, कॉलोनीज थी और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, उन्होंने वहाँ पे जाके एडवर्टीजमेंट दिया, लोगों को अपनी कंट्री में इन्वाइट किया कि आप हमारे यहाँ पे आइए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे सेटल हो जाइए। तो इस तरह की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट जो है वो कैरेबियन कंट्रीज में भी दी गई, और कैरेबियन कंट्री में ये पढ़ाया जाता था, वहाँ पे बताया जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में जो है आपकी होम कंट्री ब्रिटेन है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ब्रिटेन में आने के लिए उन्होंने अप्लाई किया और बहुत सारे लोग ब्रिटेन में आ भी गए, क्योंकि 1948 के बाद उनको वहाँ पे इन्वाइट किया गया था। तो ऐसा पहला शिप जो वहाँ से कैरेबियन आइलैंड से लोगों को जो है ब्रिटेन में लेके आया था, उस शिप का नाम था एम्पायर विंडरश। तो इसी शिप के नाम पे जो है उस पूरी जनरेशन को नाम रख दिया गया विंडरश जनरेशन, यानी कि 1948 के बाद जितने भी लोग ब्रिटेन में आए कैरेबियन आइलैंड की तरफ से आए, तो उनका नाम उस पूरी जनरेशन को बोला जाता है विंडरश जनरेशन। तो ये जो सिलसिला 1948 में शुरू हुआ 1971 तक लगातार चलता रहा, और एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 5 लाख के लोग, लगभग जो लोग हैं ब्रिटेन के अंदर उस दौरान आए थे। तो इस जनरेशन को कहा जाता है विंडरश जनरेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वहां पे ये लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर ब्रिटेन के अंदर 1948 में एक ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट पास किया गया था, जिसके अंदर में ये प्रोविजन था कि ब्रिटिश कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर में कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, ब्रिटिश उनकी जो है वो मदर कंट्री है,
वो लोग ब्रिटेन में आ सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं और यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। तो इस प्रोविजन के अंडर में बहुत सारे लोग जो है वहाँ से आए। तो 1948 के बाद जितने भी कैरेबियन आइलैंड या इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी लोग वहाँ पे आए, तो इस प्रोविजन के अंडर वो लोग ब्रिटेन में गए, वहाँ पे जाके सेटल हो गए, वहाँ पे उन्होंने अपना काम किया। लेकिन ये जो एक्ट है 1971 में इसको चेंज कर दिया गया। 1971 में इसको चेंज करने के बाद ये बोला गया कि जितने भी लोग 1948 और 1973 के बीच में ब्रिटेन में आए हैं वो तो रह सकते हैं, उनको तो एक लीगल स्टेटस दे दिया गया कि आप यहाँ पे कंट्री में रह सकते हो, लेकिन उसके बाद जितने लोग आएंगे उनके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हुई कि उन्होंने बोल तो दिया कि आप यहाँ पे लीगल हो, आप यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन उस टाइम पे जितने लोग यहाँ पे आए थे, जो स्पेशली विंडर्स जनरेशन के लोग आए थे, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए थे, उनको प्रॉपर एक सिटीजनशिप का फॉर्म वगैरह या उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, तो प्रॉब्लम एक्चुअली वहीं से क्रिएट हुई। अब जो लोग कैरेबियन आइलैंड वगैरह से लोग आ रहे थे उनके पास तो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट था बिकॉज वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे, लेकिन वो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आए। बच्चों के पास जो है वो अपना खुद का पासपोर्ट तो था नहीं, वो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट पे ही वहाँ आके ट्रेवल किया। एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हुई, जस्ट बिकॉज जब लॉ चेंज हुआ तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा गया, इन लोगों को भी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया दिखाने के लिए कि हाँ आप यहाँ पे लीगल हो। अब जब ये बच्चे कल को बड़े हुए, बिकॉज इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट था नहीं, तो जब भी ये कोई सर्विस लेने जाते थे, कोई हेल्थ सर्विस लेना हुआ, इनको कुछ दवाइयाँ लेनी हुई, कोई रूम रेंट पे लेना हुआ, किराए पे कुछ मकान लेना हुआ, तो इन लोगों के पास बिकॉज प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था तो इनको पूछा जाता था कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, और जब ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते थे तो एक इनको जो है इलीगल इमिग्रेंट मान लिया जाता था। तो एडमंड रूड और जो थेरेसा मे जब होम सेक्रेटरी रही हैं, तो उस टाइम पे इन्होंने जो है इलीगल माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स के ऊपर जो है बहुत क्रैकडाउन किया, और इस क्रैकडाउन के अंदर ये पाया गया कि जो कैरिबियन आइलैंड से जो लोग हैं, इनके जो ब्लैक पीपल हैं, जो विंडर्स जनरेशन के जो लोग हैं, उनको खास तौर पर टारगेट किया गया। अब ये स्कैंडल बाहर कैसे आया? ये स्कैंडल तब बाहर आया कि जब वहाँ पे जो गार्जियन एक न्यूज़पेपर है उसने ये स्कैंडल बाहर आया कि स्टिंग ऑपरेशन किया, कि जो चुन चुन के लोगों को, यानी कि एक टारगेट सेट किया जा रहा था कि इस टारगेट के दौरान हमें इतने इतने लोगों को जो है यहाँ से बाहर भेजना है, और जो पुराने जो रिकॉर्ड थे वहाँ पे वो रिकॉर्ड भी 2010 में जला दिए गए। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी बाहर आई है। अभी करंट स्टेटस वहाँ पे ये है, इस कंट्रोवर्सी के बाहर आने के बाद, स्कैंडल के बाहर आने के बाद, कि जो वहाँ पे होम सेक्रेटरी ये रूड थी, इन्होंने अपना जो है रिजाइन कर दिया गया है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, इन्होंने जो है विंडरस जनरेशन के लोगों से माफ़ी मांगी है। बट इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि जो हॉस्टल एनवायरमेंट पॉलिसी है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, और इलीगल इमिग्रेंट्स को किसी भी तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ब्रिटेन के अंदर। हालांकि इन्होंने जो है वो ट्रंप के जैसी जो है वो टफ लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करी है, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी का जो वोटर बेस है वो इसी तरह की पॉलिसी को फेवर करता है, तो अपने वोटर्स को नाराज ना करें, इसीलिए इस पॉलिसी को ये फ्यूचर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह से ब्रिटेन कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करते हैं, लेकिन दूसरी तरह से वो इस तरह की जो है चीज़ें उठा रहा है। अभी जब ब्रेग्जिट के बाद क्या हुआ, ब्रेग्जिट के बाद थेरेसा मे, यानी ब्रिटेन का ये एटीट्यूड है कि जो कॉमनवेल्थ जो ग्रुपिंग है, कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, और एक अपना जो है ग्रुप को हम जो है जब प्लेटफॉर्म पे जब कोई नेगोशिएशन वगैरह करना हुआ तो वहाँ पे करेंगे। अब ये जो स्कैंडल हुआ है, इस स्कैंडल के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विंडर जनरेशन के लोग हैं, यानी कैरेबियन आइलैंड के जो लोग हैं वहीं के लोग इंपैक्ट हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान बाहर के लोग भी इंपैक्ट हुए हैं। तो इंडिया और यूके का जो रिलेशन है कुछ वो भी जो है यहाँ पे बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ है, बिकॉज वीज़ा की फीस बढ़ा दी गई और कुछ तरह की चीज़ें हुई हैं ताकि इमिग्रेंट्स यूके में कम आ सकें, तो वो भी जो है वहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक